एक साल से इनके दोनों गुर्दे खराब थे और बाथरूम से रेशा आता था। बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई भी आराम नहीं आया और इनको खाना खाने में भी दिक्कत थी और इनको दवाइयों नलकियों से देते थे। सभी हॉस्पिटलों ने जवाब दे दिया था। इन्होंने अपने इलाज पर 4 लाख रुपया और 2 बीघा जमीन बेच दी थी और यह तांत्रिकों से भी इलाज करवाया और तांत्रिकों ने 50,000 रुपया भी ले लिया लेकिन कोई भी आराम नहीं आया। इनके गांव से मसीह बहन चमत्कार चर्च में आते हैं, उन्होंने इनको चमत्कार चर्च के बारे में बताया और यह बहन चमत्कार चर्च में आए। अब इनको 3 महीने हो गए हैं, दोनों गुर्दे बिल्कुल ठीक है। जो इनको बाथरूम से रेशा आता था वो रेशा बिल्कुल नहीं आता, इन्होंने पूरी चंगियाई पा ली है। अब उनके गुर्दे भी ठीक है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हालेलुया, हाँ हालेलुया। मैं बहुत बीमार थी, मैं कोई मेरा बचने का आस नहीं, मेरे 3 बच्चे थे, बहुत मदद करवाया, मेरे आटा भी नहीं सीखा, फिर 2 बीघे जमीन बेची है, फिर मेरे बेटा लेके गया जो बीकानेर गया, जवाब दिया जो तो पर 4 लाख मांगे डॉक्टरों ने, डिप्रेशन करेंगे तो मेरा बेटा बताने लगा कि पैसे नहीं है, मैं जमीन बेच देंगे, तो जमीन बेच दी 2 बीघे। फिर नहीं, डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया कि घर पर ले जो करे, फिर जमा ही बंद हो गया, फिर खाना पीना बंद हो गया जमा ही। फिर कोई 3 महीने घर पर रही हूँ, कोई दवाई दारू नहीं, कोई भी नहीं। मेरी बेटी बैठे के रोने लगी कि मम्मी नहीं बचेगी, कि मेरा कोई हाल नहीं, मेरा जैसा इतना इतना बता आता था कोई हाल नहीं सीखा। मेरी भरजाई है वो लेके मेरे चर्च में आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहले लगी देखिए ये माता जी रो रही है, आप इनकी कंडीशन देखिए, इनके हालात देखिए, ये माता जी रोई, इसका मतलब ये इतने बीमार थे जिसके कारण इनको बीकानेर लेके जाना पड़ा। 1 साल से इनके दोनों गुर्दे खराब थे, आपके 1 साल से दोनों गुर्दे खराब थे माता जी, आपके दोनों गुर्दे खराब थे और जो आपको दवाइयां देते थे वो नलकियों से देते थे, पाइप के जरिए आपको देते थे और आप कैसे 4 पाइपें लगी थी और जो आप बाथरूम आता था उसमें रेशा आता था। आपको किसी ने चमत्कार चर्च के बारे में बताया और ये बहन जी ने बताया और आपको यहाँ पे लेके आए, आपके लिए प्रार्थना हुई और अब उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके गुर्दे ठीक हैं, बाथरूम से रेशा आना बंद हो गया है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की, आपकी तारीफ छोटी है, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। डॉक्टर जवाब दे सकते हैं, लोग जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो कभी भी जवाब नहीं देता। हालेलुया, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की, आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह की। ये माता जी बता रही हैं, इनको 1 साल से गुर्दों में दिक्कत थी, गुर्दे डैमेज हो चुके थे और इनको डॉक्टर ने कहा बीकानेर लेके जाना पड़ेगा। इनके बेटे ने जमीन बेच दी, 2 बीघा जमीन बेच दी, 4 लाख रुपए लगा दिए, बाथरूम से रेशा आता था और ये बेड पे ही पड़े रहते थे। अब आप देखिए 4 नलकियां लगी हुई थी, ये बता रहे 4 नलकियां जिसके द्वारा इनको अंदर दवाई जाती थी, आज आपके सामने बिल्कुल सही खड़े हैं, कोई नलकी नहीं लगी हुई है, गुर्दे बिल्कुल ठीक है और जो बाथरूम से रेशा आता था वो बिल्कुल बंद हो गया। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। परमेश्वर के अभिषेक, दोनों गुर्दे खराब थे। इतना पैसा खर्च हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने यह कहा कि आप इसे घर ले जाओ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यानी क्या घर ले, जवाब दे दिया ये नहीं बचेगी। तब उस बहन ने इन्हें बताया कि आप चमत्कार सच में चलें।
और उन्हें चमत्कार चर्च में लेकर आए। जब चमत्कार चर्च में लेकर आए, आज तुम्हारे सामने बिल्कुल चंगी है, परमेश्वर मसीह ने चंगा कर दिया। तो सब लोग खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस गुवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया, दोनों हाथों को हिलाते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करें, अपने हाथों को हिलाते हुए तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया।